कोई भी बच्चा इसमें डूब गया तो सिर्फ वही परिवार के लोग रोते फिरते हैं, मेरा बच्चा डूब गया, मेरा बच्चा डूब गया। हर साल का 2 से 4 लोगों का डेड होना कंपलसरी। और ये दलदल वाला डैम है, कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है इसमें, तो उनकी माए उन पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अभी गया कहाँ, इतनी बारिश है, रेड अलर्ट ये लागू हो गया है, बच्चा ऑफ होने के बाद फिर बोलेंगे मेरा लल्ला चले गया, मेरा बच्चा चले गया। तो आप इस जगह पे अगर वो आ रहा है तो उससे पूछते नहीं हो तो लल्ला तो आपका जाएगा ही ना। स्टाफ जो होते हैं उनका यहाँ पे राउंड अप होना बहुत जरूरी है, जब तक कि यहाँ पे 1-2 घटना नहीं होगी, जब तक कि इसको रोका नहीं जाता है, 4 दिन तक की सख्ती होती है, उसके बाद फिर आवारा जैसा हो जाता है। भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। 3-4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और आज काफी तूफानी हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हम इस वक्त मौजूद है मुमरा के खड़ी मशीन रोड डैम पर। आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरह से इस डैम में जो है छोटे छोटे बच्चे जो है वो नहा रहे हैं, हालांकि इसमें बड़े लोग भी हैं जो नहा रहे हैं, लेकिन ये डैम जो है काफ़ी खतरनाक है। इस डैम में अब तक जो है कई बच्चों की जो है मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे खतरनाक जगहों पर झील झरनों पर जाने के लिए सख्त मनाही की गई है, लेकिन मुमरा शहर के लोगों की बड़ी संख्या में ये खड़ी मशीन डैम के पास आप देखेंगे कि पूरे परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, घूमने के लिए आ रहे हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जिस डैम में कांटे वाला तार लगाकर जो है लगा दिया गया था कि इसमें कोई भी नहाए ना, क्योंकि इसमें कई जाने जो है अब तक जा चुकी है, उस डैम के जो है तार को देखेंगे आप कि इसे पूरे तरीके से तोड़ दिया गया, हालांकि ये पिछले साल भी तार जो है इसे तोड़ दिया गया था और बड़ी संख्या में यहाँ पर नौजवान जो है वो नहा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन, मुमरा पुलिस प्रशासन भी इस डैम पर अब तक नहीं पहुंचा है, यहां से लोगों को हटाने के लिए क्या किसी अनहोनी का इंतज़ार किया जा रहा है। यहां पर कुछ लोग आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? हाशिम शेख। ऊपर आइए थोड़ा सा, आप भी यहां पर घूमने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, घूमने को नहीं आए हैं, हम यहां पे देखने के लिए आए हैं कि क्या हो रहा है और डैम में, क्योंकि अभी तक के जिस तरीके से देख रहे हो हर साल जैसा 4 से 5 लोग जो ऑफ हो जाते हैं, वो देखते हुए मैं यहाँ देखने के लिए आया कि लगातार अभी भी लोग उसी तरीके से नहा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं जो, लेकिन वो उनको इंजॉय लग रहा है, लेकिन ये एक जो है डर जैसा माहौल है। पानी देख रहे हैं आप किस तरीके का, एकदम गंदा है और भरा हुआ है, जबकि रेड अलर्ट जो दिया गया है, यहाँ तक के जो हमारे कलेक्टर के यहाँ से जो मैसेज आया हुआ है कि लोग अपने घरों में रहे, पानी भर सकता है या कुछ भी ऐसी घटना हो सकती है, ये लोगों को इसका ये करना चाहिए, वो देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। और यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि हमारे प्रशासन के लोग कितने हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे प्रशासन के लोग नहीं, यहाँ पे सिर्फ मुमरा के लोग दिख रहे हैं और भी कई बाहर से लोग आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाहर रोड के किनारे बहुत गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बताया जा रहा बहुत दूर सील फाटा, कल्याण फाटा, वहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ घूमने के लिए। देखिए गाड़ी तो इतनी लगी है कि एक तरफ से मुझे ट्रैफिक भी दिख रही है और रोड पर बाईपास पर भी जो पानी गिरता है उधर पे भी लोग नहा रहे हैं, अगर उनके ऊपर पत्थर गिर जाता है या ऐसी कोई भी घटना हो सकती है। आप ये जो देख रहे हो इधर पे हर साल का 2 से 4 लोगों का डेड होना कंपलसरी, उसके बाद भी ये लोग जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिस तरह से ये लोग नहा रहे हैं देख रहे हैं आप किस तरह से नहा रहे हैं। हालात, अगर कोई भी बच्चा इसमें डूब गया तो सिर्फ वही परिवार के लोग रोते फिरते हैं, मेरा बच्चा डूब गया, मेरा बच्चा डूब गया, लेकिन परिवार के साथ साथ यहाँ पर बड़े लोग भी नहा रहे हैं और ये दलदल वाला डैम है, कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है इसमें। देखिए इसमें कुछ जिम्मेदार घर के पहले होते हैं, उसके बाद प्रशासन होता है और हमारे पुलिस स्टाफ जो होते हैं उनका यहाँ पे राउंड अप होना बहुत जरूरी है। अगर वो बच्चा गिर जाता है, मर जाता है, तो उनकी माए उन पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अभी गया कहाँ, इतनी बारिश है, रेड अलर्ट ये लागू हो गया है, तो उनको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बच्चा ऑफ होने के बाद फिर बोलेंगे मेरा लल्ला चले गया, मेरा बच्चा चले गया, कमाने वाला एक ही था। तो आप इस जगह पे अगर वो आ रहा है तो उससे पूछते नहीं हो तो लल्ला तो आपका जाएगा ही ना, जबकि ये गलत भी देखा जा रहा है, कुछ बड़े लोग भी हैं जो छोटे छोटों के साथ में नहा रहे हैं। अरे ऐसे तो बहुत है, अंदर चाचा जो बेचारे 50-55 साल के लोग हैं, उनको बल्कि उनको दूसरों को सिखाना चाहिए, तो वो खुद डुबकियां मार रहे हो। आगे आगे भी डैम है, आगे भी है ना, इसके आगे भी 2 है और भी लोग हैं। हाँ इसी तरीके का है, जब तक कि यहाँ पे 1-2 घटना नहीं होगी, जब तक कि इसको रोका नहीं जाता है, 4 दिन तक की सख्ती होती है, उसके बाद फिर आवारा जैसा हो जाता है।
तो आपने सुना पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर होना चाहिए। और देखेंगे आपकी गुलाटी मार मार के ये दलदल वाला जो डैम है इसमें लोग नहा रहे हैं और इस डैम से जो पानी नीचे की तरफ बह रहा है इसमें जो है सभी लोग नहा रहे। कैमरा मैन से चाहेंगे दिखाने के लिए नीचे की तरफ कि किस तरह से उधर नीचे के तरफ जो है तमाम महिलाएं हैं बच्चे हैं ये नहा रहे हैं। हालांकि ये काफ़ी खतरनाक जो है साबित हो सकता है। प्रशासन की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंब्रा पुलिस के जवानों को भी यहाँ पर जो है होना चाहिए कि कोई इस खतरनाक डैम में नहाए ना, इन्हें रोका जाना चाहिए। लेकिन जो यहाँ लोग हैं, हमने अब तक जो लोगों से पूछा उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर पुलिस का जवान प्रशासन का अधिकारी कोई भी यहाँ रोकथाम के लिए नहीं है। लोग बिंदास आ रहे हैं, इस दलदल वाले डैम में नहा रहे हैं। इसी तरह से आगे जो ये झरना आप देख रहे हैं, ये झरना जो है आगे की तरफ भी जो है बहते हुए जा रहा है बाईपास के तरफ पे, और वहाँ पर भी छोटे बच्चे हैं और महिलाएं हैं नहा रही हैं। लेकिन वो भी जो है काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि पानी का जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है। अगर कोई 10 साल 8 साल या 5 साल का बच्चा अगर हाथ छूट गया, वैसे हाथ पकड़ पकड़ के नहा रहे लेकिन हाथ अगर छूट गया, फिसल के गिर गया और पानी के बहाव में अगर वो आ गया तो उसको अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो सीधा वो मुंब्रा बाईपास से होकर जो नीचे गटर गया, जो नाला गया है उसमें वो जा सकता है, इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को मुंब्रा खड़ी मशीन का जो ये डैम आप देख रहे हैं इसमें जो है लगभग अब तक मुंब्रा शहर के कई नौजवानों की इसमें मौत हो चुकी है और यहाँ पर प्रशासन के लोगों को आकर यहाँ पर रोकना चाहिए। बहरहाल जिस तरह से घूमने की रही बात तो लोग आकर जो वहाँ पर आगे दुकान वगैरह है वहाँ पर घूम टहल कर जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों को और अपने आप को संभालें। इस खतरनाक डैम में जो है नहाने मध्य लोगों को खुद भी ये चीज़ जो है समझना चाहिए।